हेलो दोस्तों, ये एक सेट आया है आईवा का, देख सकते हैं आईवा। जो इस पे जो कंपनी है इसका, वो सोनी कॉरपोरेशन से बना हुआ है, आईवा है। पीछे का लेबल भी दिखाता हूँ इसका, सोनी कॉरपोरेशन में बना हुआ है, ये आईवा है। जिसमें आठ डीवीडी है, वीएचएस है और एम्प है। टोटल 350 वाट्स एम भी है इस पे। हाई फाई स्टूडियो है, देख सकते हैं। इसमें सब बूफर के लिए कनेक्शन है, 50-50 के दो ट्विटर सब बूफर सब कनेक्शन है। टोटल 350 वाट्स का एम भी है इसके अंदर, जो बहुत न्यू कंडीशन में है। हाई फाई स्टूडियो है, ये आके रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो डायरेक्ट डीवीडी से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये पॉज स्टील का लिए है, ये प्ले स्टॉप रिवर्स और फॉरवर्ड, ये वैल्यूम। यहाँ से वीडियो कैसेट इजेक्ट होता है, यहाँ से डीवीडी का इजेक्ट होता है। एकदम न्यू कंडीशन में आया है, इसका रिमोट मिस हो गया है इसीलिए बता रहा हूँ। इधर से ये भी टू का इन जाता है। इसके नैप्स देख सकते हैं, ये एकदम न्यू कंडीशन में है नैप्स। यहाँ पे ये भी ऑप्टिकल के लिए गया है, ये एफएम भी है इसमें, एफएम ट्यूनर भी है। ये साउंड जो रॉक मूवी जैसे देता है, इसके ये इक्वलाइजर भी है, इसका साउंड फील्ड बोल के इक्वलाइजर भी है, जिसमें म्यूजिक रॉक थिएटर ये सभी इसमें ऑप्शन भी देता है। ये एफएम के ट्यूनर के चैनल्स के लिए भी है, और आके वीसीआर के चैनल्स के लिए भी काम करता है। इस पे डिजिटल साउंड, डॉल्बी स्टूडियो, MP3 सभी काम करते हैं, देख सकते हैं। इसकी कंडीशन एकदम बढ़िया है, न्यू कंडीशन में है। और इसका बैक भी अभी दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, एकदम न्यू कंडीशन में है। इसका आगे का अभी बैक का दिखाता हूँ, देख लीजिएगा, देख सकते हैं। ये इसका बैक है, आईवा कंपनी, जिसका मॉडल नंबर है CXVR5। डीवीडी वीसीआर रिसीवर तीनों भी काम करता है। सोनी कॉरपोरेशन, मेड इन इंडोनेशिया, ये इसका सीरियल नंबर है, देख सकते हैं। इसके अभी इसके नए आप गोल्ड कलर में है, ये कंपोनेंट्स के लिए, ये डीवीडी आउट, ये इन, ये एसवीडी आउट है। ये इसके होम थिएटर के, इसके स्पीकर साथ में नहीं है, स्पीकर साथ में जो मेरे को सिर्फ यही मिला है, इसके स्पीकर साथ में नहीं है। ये ऐसे स्पीकर बहुत मार्केट में मिलते हैं, ऐसे कनेक्टरों के साथ वो यूज़ कर सकते हैं। ये स्पीकर के लिए है, ये देखो एफएम, एफएम और एएम का एरियल के लिए है, ये जो तार जाती है एरियल के लिए, इसके लिए दिया गया है। अभी इसका परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ, बाद में इसके इनर इनसाइड की भी शॉट दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। अभी इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी इसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। ये इसका पावर है ऑन, इधर लाइट आ गया। अभी VHS डाल के दिखाता हूँ, पहले देख लीजिएगा क्या सीट गई, प्ले का निशान आया, काउंट स्टार्ट हो गया इसका, ऑटो ट्रैकिंग लेता है। अभी फॉरवर्ड और रिवर्स भी करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये रिवर्स,
ये रिवर्स हो रहा है, अभी फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, और ये ऊपर से प्ले। इसका रिमोट अवेलेबल नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, मगर सारे फंक्शंस पैनल पे हैं इसका। अभी ये स्टॉप और यहाँ से इजेक्ट, बहुत हेवी सेट है, इसी है, कम से कम 10 केजी का सेट है, पहले ही बता रहा हूँ। थोड़ा साइज में बड़ा भी है, इसको कोरियर को थोड़ा ज़्यादा लगता है, कैश एंड डिलीवरी होता है, कोरियर का अलग से लेते हैं। यहाँ से देखिए FM भी डाल के दिखाता हूँ, ये FM का स्विच है, FM आ गया, इधर रेडियो, ये AM डाला है, ये FM, यहाँ भी है FM, यहाँ पे भी दिया गया है। इसको बदलाने के लिए चैनल्स ये दिए गए हैं, किसी को ट्यून कर लेना है तो ये रेल लगा के ट्यून कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से DVD सिलेक्शन होता है, ये ओपन, ऐसा मारे तो खुल रहा है, थोड़ा ये एक से दो बार किए तो खुल जाता है, थोड़ा शायद ऊपर से लगा हुआ का पार्सल में आया है, यहाँ से लगा होगा, इसको क्लीन किया तो हो जाएगा। ये एक कैसेट है और रिपोर्टर कैसेट गई, रीडिंग हो रहा है, यहाँ से प्ले करना है, प्ले हो गया, अभी स्टॉप और यहां से इजेक्ट, कैसेट आ गई, सही कैसेट डालने से सही से खुल रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत ये करता है, पार्सल में आया इसीलिए थोड़ा कर रहा था, बहुत अच्छी कंडीशन में है, किसी भाई को चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हैं। अभी इंसर्ट से भी दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, इसका ऊपर से ढक्कन खोल दिया है, देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये VCR की कंडीशन है, ये DVD की कंडीशन है, ये इसका एम्प है, एकदम हेवी सेट है, और ये इसका पावर सप्लाई है, जो बहुत हेवी हेवी पावर सप्लाई है, मैंने इतना हेवी पहली बार देख रहा हूँ, बहुत हेवी है ये पूरा मेटल का है, ये इनसाइड से भी न्यू कंडीशन में आई है, किसी भी भाई को चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हैं। ये इसका एम्प है, ये इनबिल्ट एम्प है इसमें, किसी भी भाई को चाहिए इस सेट के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। बाय दोस्तों।